हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर MS कॉलेज बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है DNA इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर या पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ फैक्टर्स या डिटरमाइनर्स के कारण होता है, और यह प्रूव किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब उन्होंने स्वीट पी पर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने उन कैरेक्टर्स को जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरी आउट कराते हैं उनको नाम दिया था फैक्टर्स, डिटरमाइनर्स, और बाद में टर्म दी गई थी जीन्स। जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स पे अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्रोमोसोम्स के सेल डिवीजन के दौरान दोनों डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। केमिकली यह पाया गया है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वह प्रोटीन्स और DNA से मिलकर बनते हैं, 60% प्रोटीन्स एंड 40% DNA। जो भी जेनेटिक मटेरियल जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे रेप्लिकेशन, वह अपनी कॉपी खुद बना सके, कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक कैरेक्टर्स एक फैक्टर को दूसरे जनरेशन में लेके जाता है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके, जो भी कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सके, और अगर उन कैरेक्टर्स में अगर कोई चेंज जिसको म्यूटेशन कहते हैं उसको भी वह कंट्रोल कर सके, और लास्ट वे सब स्टेबल होना चाहिए। टॉपिक ऑफ डिस्कशन टिल 1944 वाज विच क्रोमोसोमल कंपोनेंट DNA और प्रोटीन कैरीज हेरिडिटी इंफॉर्मेशन और जेनेटिक मटेरियल। 1944 तक ये डिस्कशन का टॉपिक था कि कौन सा क्रोमोसोमल कंपोनेंट DNA या प्रोटीन कौन जो है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी आउट करता है। 1940 तक ये माना गया था कि प्रोटीन्स जो हैं वह जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाते हैं, और प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स होते हैं अमीनो एसिड्स के, और यही इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं। DNA जो है वो चार डिफरेंट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बनता है, ATP, CTP, GTP और TTP। ज़्यादातर जेनेटिस्ट ने ये पाया कि जो ट्रांसमिशन होता है वह जो है उसको प्रोटीन्स कैरी आउट करता है। परंतु 1940 के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो कंडक्ट किए गए थे उन्होंने यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि DNA ही है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी आउट करता है और ना कि प्रोटीन। कुछ ऐसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जो प्रूव करते हैं कि DNA जो है वह जेनेटिक मटेरियल है। डायरेक्ट एविडेंसेस जो हैं वह तीन एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव किए गए हैं। फ्रेडरिक ग्रेफिथ, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एवरी मैक्लॉयड एंड कार्की, एक्सपेरिमेंट्स ऑन ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हर्शी एंड चेज ने जो किया था वह किया था T24 बैक्टीरियोफेज पे। सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया था, और उन्होंने ही ये प्रूव किया था कि DNA ही है वो जेनेटिक मटेरियल है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो बैक्टीरियम ह्यूमन बींग्स के अंदर निमोनिया कॉज करती है, और माइस के अंदर ये लीथल होती है। अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ उनका ये कहना था कि वेन बैक्टीरिया आर ग्रोन ऑन अ कल्चर प्लेट, जब बैक्टीरिया को हम कल्चर प्लेट में ग्रो करते हैं कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं वो स्मूथ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो रफ़ कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं। इसका कारण ये है कि जो एस स्ट्रेन जो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज हैं उनके ऊपर एक म्यूकस पॉलीपेप्टाइड की कोट होता है, जबकि आर स्ट्रेन के अंदर इस तरह का कोई भी पॉलीसेकेराइड का कोट नहीं होता, इसलिए एस स्ट्रेन जो था वो इन्फेक्शियस था और आर स्ट्रेन जो था वह नॉन इन्फेक्शियस था। जब माइस को एस स्ट्रेन या वायरुलेंट से इन्फेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हो गई ड्यू टू निमोनिया, लेकिन जब माइस को आर स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया गया तो उनके अंदर निमोनिया डेवलप नहीं हुआ। जब ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन को हीट किया और ये जब उनको माइस में इन्फेक्ट किया एस स्ट्रेन को हीट करने पर यह पाया गया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वह माइस को किल नहीं करते, और दूसरी तरफ उन्होंने हीट किल्ड एस
एस स्ट्रेन और लाइव स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस के अंदर इन्फेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। उन्होंने डेड माइस के अंदर से दोनों लिविंग एस बैक्टीरिया और आर बैक्टीरिया को रिकवर कर लिया। ये उन्होंने दो सीरोटाइप लिए, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो थी वो रफ, उसके ऊपर कैप्सूल एब्सेंट था तो वो ए वायरुलेंट थे। एस स्ट्रेन उसके ऊपर जो था वह स्मूथ म्यूकस पॉलीसेकेराइड की एक कोट था और इसके कारण वह वायरुलेंट हो गए थे। ये डायग्राम है जब उन्होंने अलग अलग तरीके से कि जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो माइस की डेथ हो गई, जब आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस जो थे वह जीवित थे, जब उन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया और माइस के अंदर इन्फेक्ट किया तो माइस जो थे वो जीवित थे, और जब एस स्ट्रेन को हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन को लाइव किया तो माइस की डेथ हो गई। इन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वह जो है वह ट्रांसफॉर्म हो गया है बाय दी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसके कारण आर स्ट्रेन ने अपने ऊपर एक स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट बना लिया है और वह वायरुलेंट हो गई है, और इस यही कारण है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हुआ है, और इसी के कारण जो है इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन। ये है स्टेप्स। सबसे पहले माउस को इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन से, माउस की डेथ हुई। माउस को इंजेक्ट किया आर स्ट्रेन जिसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोट नहीं थी, माउस ने सर्वाइव किया। फिर माउस को इंजेक्ट किया एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, उसके अंदर से सारा पॉलीसेकेराइड का कोट जो है वो हट गया और वह माउस सर्वाइव हो गया। फिर माउस के अंदर हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को जो है वह इंजेक्ट किया गया तो माउस की डेथ हो गई, क्योंकि आर स्ट्रेन जो था उसके अंदर एस स्ट्रेन का कुछ पार्ट जो है वह ट्रांसफ़र हो गया और उसने आर स्ट्रेन को जो है वह पॉलीसेकेराइड का कोट उसके ऊपर आ गया, जिसके कारण माइस की डेथ हो गई। इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वायरुलेंट आर टू वायरुलेंट एस टाइप बाय पिकिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल एनकोडिंग द एलपीएस मॉलिक्यूल कैप्सूल फ्रॉम हीट किल्ड एस से, यानी कि उन्होंने इससे प्रूव किया कि जो आर स्ट्रेन था वह एस स्ट्रेन में चेंज हो गया क्योंकि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया और उसके ऊपर जो है पॉलीसेकेराइड का एक कोट बन गया, जिसके कारण आर स्ट्रेन जो था वह वायरुलेंट हो गया। एवरी मैकलॉयड एंड मैककार्थी ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को 1944 में रिपीट किया यूजिंग सर्टन सेल एक्सट्रैक्ट, और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। उन्होंने ये स्टडी किया कि अगर आर स्ट्रेन के अंदर से सारा प्रोटीन्स को रिमूव कर दिया जाए तो आर स्ट्रेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम जो होता है वह ट्रांसफॉर्मिंग एबिलिटी को जो है वह डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसलिए ये कंक्लूड किया गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो है वह डीएनए है ना कि आरएनए। एवरी मैकलॉयड का जो एक्सपेरिमेंट था वह ट्रांसफॉर्मेशन पे ही बेस्ड था। उन्होंने क्या किया कि जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके जो है सेल फ्री एक्सट्रैक्ट को डीएनएज आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम के साथ ट्रीट किया। ईच ट्रीटेड एक्सट्रैक्ट वॉज मिक्सड विथ आर स्ट्रेन एंड मिक्सचर इंजेक्टेड टू द माउस टू सी ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने जो तीनों एक्सट्रैक्ट को
जो थे आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया और माउस के अंदर इंजेक्ट किया ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए। प्रोटीएस और आरएनएज में जब ट्रीट किया गया सेल एक्सट्रैक्ट को आर स्ट्रेन के साथ तो ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया, यानी कि जो आर स्ट्रेन था वह वायरुलेंट हो गया था और ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल का हो चुका था। जब डीएनए एंजाइम के साथ जब आर स्ट्रेन को ट्रीट किया गया तो ये पाया गया कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं हो पाता, डीएनए एंजाइम की एक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन को रोक देती है। इसलिए एवरी और उनके साथियों ने यह कंक्लूड किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंसेस है वह प्रोटीन और आरएनए ना होकर डीएनए होता है। उन्होंने दो कंक्लूजन करे कि एक्टिव फैक्टर इज़ डीएनए विच कैन कॉज ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो एक्टिव फैक्टर जो है वह डीएनए है, ना कि प्रोटीन और आरएनए जो ट्रांसफॉर्मेशन को कैरी आउट कराता है, और एस स्ट्रेन जो है वही है जो एक्टिव फैक्टर को कैरी करता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल वॉज हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज को स्टडी किया और फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वह डीएनए है। उन्होंने बैक्टीरियोफेज को यूज़ किया। बैक्टीरियोफेज वह वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज का जो हेड है वह प्रोटीन्स का बना होता है और इसके अंदर एक प्रोटीन का कोट होता है, और इस प्रोटीन कोट के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए के रूप में प्रेजेंट रहता है। हर्शी और चेज ने ये जो वायरस थे बैक्टीरियोफेज उनको दो मीडियम में ग्रो किया, और ये दो मीडियम थे इनमें एक में उन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव फॉस्फरस और दूसरे के अंदर उन्होंने यूज़ किया रेडियो एक्टिव सल्फ़र। जो दो आइसोटोप्स थे वह थे 32P फॉस्फरस के और सल्फ़र का था आइसोटोप 35S। वायरसेस जो थे वह रेडियो एक्टिव फॉस्फरस के अंदर जब ग्रो करे गए तो उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए था लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए के अंदर फॉस्फरस होता है और प्रोटीन्स के अंदर फॉस्फरस नहीं होता। इसी तरह जब वायरसेस को रेडियो एक्टिव सल्फ़र में ग्रो किया गया तो उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन आया लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं आया, क्योंकि डीएनए के अंदर जो है सल्फ़र नहीं होता और प्रोटीन्स में सल्फ़र प्रेजेंट होते हैं। अब इन बैक्टीरियोफेज जो दोनों ही रेडियो एक्टिव हो गए हैं उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को अटैक किया। जैसे ही इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ वायरल कोट रिमूव हो गए बैक्टीरिया से जब उनको ब्लेंडर में एजिटेट किया गया। बैक्टीरिया जिनके ऊपर वायरस ने इन्फेक्ट बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था और जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था वह रेडियो एक्टिव थे, और वहाँ पे 32P को डिटेक्ट किया गया और यह कंक्लूड किया गया था कि डीएनए जो था वह जेनेटिक मटेरियल था और वह वायरस से बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म हुआ गया है। बैक्टीरिया जो कि 35S आइसोटोप से इन्फेक्ट करे गए तब ये पाया गया कि जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स हैं वो रेडियो एक्टिव नहीं हैं और उनके अंदर 35S को डिटेक्ट नहीं किया गया। 35S जो था वह एक सुप्रानटेंट के रूप में प्रेजेंट था, और उनसे यह इंडिकेट होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वह इस बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा एंटर नहीं हुए हैं। इसलिए यह प्रूव किया गया कि जो डीएनए है वह जेनेटिक मटेरियल है और जो कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर पास हुआ है। हर्शी और चेज ने ये कंक्लूड किया जो बैक्टीरियोफेज का जो कोट था वह 32P से नहीं लेबल था, वह 35S से लेबल था। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट ने क्लियरली इंडिकेट किया था कि ओनली डीएनए एंड नॉट द प्रोटीन्स एंटर द बैक्टीरियल सेल। उस बैक्टीरियल सेल में केवल डीएनए एंटर करता है और प्रोटीन का कोट जो है वह बाहर रह जाता है। द डीएनए एंटरिंग द होस्ट सेल कैरीज ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन
फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स. और नए फेज पार्टिकल्स बनाने के लिए केवल डीएनए है जो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. इससे ये प्रूव करता है कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरियोफेज एंड नॉट द प्रोटीन्स. डीएनए इज़ जेनेटिक मटेरियल को प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं. सबसे पहला पॉइंट कि एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन कि जो डीएनए है वह न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में लोकेटेड होता है और क्रोमोसोम्स द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. और क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं. जो अमाउंट ऑफ डीएनए है डिप्लॉयड सेल में वह एक सेल के लिए कॉन्स्टेंट होता है और हर सेल के लिए अलग अलग होता है. हैप्लॉयड सेल यानी कि जो जर्म सेल स्पर्म या एग में हैं उनका जो डीएनए का अमाउंट है वो डिप्लॉयड सेल से हाफ होता है. कंपैरेटिव स्टडीज़ ने शो किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग अमाउंट का डीएनए होता है. वह जो अमाउंट है वह सेल की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करता है. द हायर द ऑर्गेनिज्म इन द इवोल्यूशनरी स्केल द ग्रेटर इज़ द कंटेंट ऑफ डीएनए. इवोल्यूशनरी स्केल पर जब हम देखेंगे तो जितना ऑर्गेनिज्म हायर होगा उसका कंटेंट डीएनए का ज़्यादा होगा. DNA is metabolically stable, meaning that it is not rapidly degraded like many other cellular molecules. जैसे बाकी cellular molecules degrade हो जाते हैं वैसे ही DNA जो रहता है वो metabolically stable होता है और वो degrade नहीं होता. The amount of DNA per cell in a given species of higher organisms remain fairly constant, unaffected by changes in the environment or nutrition. This stability would be expected for the genetic material. जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल रहने के लिए यह ज़रूरी है कि जो भी डीएनए है उसका अमाउंट हर स्पीशीज़ में कांस्टेंट होना चाहिए. वह किसी भी एनवायरमेंटल या कोई भी दूसरे फैक्टर्स से अनअफेक्टेड रहना चाहिए. देयर इज़ अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट बाई डीएनए एंड द रेट ऑफ म्यूटेशन. इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है. The rate of mutation is highest at the wavelength of maximum absorption, suggesting that DNA is a genetic material and when irradiated undergo chemical changes which cause mutation. जब भी DNA को किसी UV rays के द्वारा affect होता है तो उसके अंदर जो रहता है वो hereditary material change हो जाता है क्योंकि उनके अंदर कुछ sudden heritable changes होते हैं जिनको हम कहते हैं mutation और जो chemically UV rays के द्वारा हो सकता है. डीएनए जो है वह रेप्लिकेशन के लिए कैपेबल होता है. इसका मतलब कि हर सेल डिवीज़न के अंदर एक डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वह एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी पास हो सकती है बिना चेंज हुए हुए. डीएनए ही वह DNA codes for all the instruction for making proteins the macromolecules need for cell to perform different functions. DNA से ही RNA बनता है और RNA से ही protein बनता है. DNA से RNA को बनने को हम बोलेंगे transcription और RNA से proteins बनने को हम कहेंगे translation. तो DNA ही वो substances हैं जो cell के सारे functions को carry out करता है. इसलिए यह prove हो गया है कि DNA है वही genetic material है. Thank you.